अर्हत वांग्मय में कहा गया है, नानेन जान ई भावे दंसनेन उसद्दहे चरितेन निगिन्हाई तवेन परिशुद्धै। शास्त्र की वाणी है, ज्ञान से भावों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है, तप से परिशोधन करता है। चतुरंग मोक्ष मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वाला। उसमें चौथा अवयव तप होता है। आज अक्षय तृतीया का दिन है और एक तप की सानंद संपन्नता का, सानंद कम आनंद वो कुछ हो सकता है, पर तपस्या की संपन्नता का दिन है। और परम तपस्वी परमात्मा स्वरूप जो बन चुके हैं, भगवान ऋषभ की तपस्या का आंशिक यह अनुकरण रूप तप की संपन्नता का दिन है। भगवान ऋषभ वर्तमान अवसरपिणी और इस व्रत क्षेत्र के आदि तीर्थंकर हुए। वे तीर्थंकर तो बाद में बने, पहले उन्होंने सेवा के या लौकिक सेवा के कार्य, और हम तात्विक भाषा में कह दें सावध्य कार्य भी उन्होंने अपने प्रशिक्षण के मानो विषय बनाए। एक प्रश्न हो सकता है, इतने ज्ञानी पुरुष थे, तीर्थंकर होने वाले थे, पर ऐसे व्यक्ति ने सांसारिक लौकिक कार्य प्रशिक्षण में अपना समय क्यों लगाया? एक प्रश्न तो हो सकता है, परंतु भूमिका में अंतर होता है। आदमी किस भूमिका पर है और उस भूमिका पर उसका दायित्व क्या है, या उस भूमिका पर करणीय क्या है? जहां वो भूमिका और उससे संबंधित दायित्व का प्रसंग होता है, वहां सावध्य निर्वध्य को मानो गौण कर दिया जाता है और कर्तव्य निर्वाह को मुख्यता दी जा सकती है या दी जाती है। भगवान ऋषभ जो ऐसे महापुरुष, उन्होंने भी लौकिक कार्य प्रशिक्षण का कार्य किया, यह इस बात का एक मानो साक्ष्य है, प्रमाण है कि भूमिका भेद होता है, और एक सांसारिक भूमिका में रहने वाले व्यक्ति को सांसारिक कार्य भी एक कर्तव्य के रूप में, भले वो सावध्य हैं, उसके संदर्भ में वो उसके लिए करणीय हो जाते हैं। इस संदर्भ में समाधान संस्कृत श्लोक में दिया गया, एतच्च सर्वं सावध्यम् अति लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामासे जानन कर्तव्य मात्मनः। कि भगवान ऋषभ जानते थे ये असी मसी कृषि ये चीजें सावध्य कार्य हैं, परंतु दो कारणों से उन्होंने वो सावध्य प्रशिक्षण भी दिया। दो कारण क्या? एक तो लोकानुकंपा, लौकिक अनुकंपा या लोगों के प्रति अनुकंपा,
कि इनको नहीं बताया जाएगा ये जीवन अच्छा, अपने गार्हस्थ्य का जीवन कैसे जी पाएंगे। तो लोकानुकंपा, लौकिक अनुकंपा या लोगों के प्रति अनुकंपा एक तो वह कारण बना सावध्य प्रशिक्षण का। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ मान लें अपना कर्तव्य निर्वाह करना, कर्तव्य निर्वाह के लिए उन्होंने वह कार्य किया। भगवान ऋषभ एक सामान्य यानी सांसारिक गार्हस्थ्य के जीवन में जीने वाले थे, तो वो एक समाज नेता के रूप में भी थे। समाज में भी नेता चाहिए। दो शब्द संस्कृत कोश में बताए गए हैं, आचार्य हेमचंद्र ने जो बताया है, समझ और समाज। आचार्य हेमचंद्र ने दोनों में थोड़ा डिफरेंस किया है, दोनों समूहवाचक हैं, थोड़ा डिफरेंस बताया है। समजस्तु पशु नाम स्यात् समाजस्त्वन्य देहिना, पशुओं का समूह समझ कहलाता है और अन्य प्राणी जैसे मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। ऋषभ उस मनुष्यों के समाज के मानो नेता थे, एक सामाजिक नेता थे। समाज में भी नेता की अपेक्षा हो जाती है, होती है। अगर समाज में कोई सक्षम नेता होता है तो वह समाज को अपना दिशा दर्शन प्रदान कर सकता है और समाज को अच्छा चलाने के लिए भी समाज को नेता चाहिए। समाज नेतृत्व विहीन होता है तो फिर समाज के विकास में भी बाधा आ सकती है और समाज में समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए समाज में संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं के अध्यक्ष आदि होते हैं, वो एक तरह से समाज के नेता होते हैं। तो ऋषभ एक महत्वपूर्ण मानो समाज नेता थे। राजनीति चलती है, लोकतांत्रिक प्रणाली से राजनीति चले, राजतांत्रिक प्रणाली से राजनीति चले। राजनीति भी आवश्यक होती है, अपेक्षित होती है। राजनीति में, राज परंपरा में तो मान लो राजा का बेटा उत्तराधिकारी सामान्यतया बन जाए, और लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव के द्वारा अधिकारी सामने आते हैं, सत्ताधीश बनते हैं। तो यह राजनीति की प्रणालियां हैं। पहले राजतांत्रिक प्रणाली हो, लोकतांत्रिक प्रणाली हो, ये प्रणालियां हैं। राजनीति के एक पुरोधा कह दें या महत्वपूर्ण राजनेता कह दें, ऋषभ को संभवतः एक राजनेता के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ऋषभ के जीवन के ये एक लौकिक जीवन के आयाम थे। फिर उन्होंने त्याग पथ स्वीकार किया, संयम का पथ स्वीकार किया। तो धर्म नीति के मानो आदि पुरुष या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में भगवान ऋषभ थे। उन्होंने सांसारिक जीवन भी जिया तो फिर संयम का जीवन भी स्वीकार किया और महान संत बन गए। चैत्र कृष्णा अष्टमी का दिन भगवान ऋषभ का दीक्षा दिवस, और साथ में यूं कह दें वर्षी तप के प्रारंभ का दिवस। भगवान ऋषभ का दीक्षा दिवस उनके भी वर्षी तप का प्रारंभ दिन था और आज भी परंपरा है वर्षी तप नए सिरे से प्रारंभ करने वाले चैत्र कृष्णा अष्टमी से वह तप शुरू करें, यह एक प्रथा है, व्यवस्था है।
भगवान ऋषभ ने दीक्षा ली और वर्ष तप भी शुरू हो गया। उनको उपयुक्त भिक्षा नहीं मिली थी और भिक्षा न मिलने के कारण, भिक्षा के अभाव के कारण मानो उनके तो वर्ष तप हो गया और होते 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 वर्ष बीता, ऊपर भी दिन बीते और आखिर यह आज का दिन आया, अक्षय तृतीया का यह दिन आया और आज उनको भिक्षा मिली, इक्षु रस का दान मिला और उनके तप का यह पालनक आज हुआ। यह अक्षय तृतीया वर्षी तप की संपन्नता का दिन भी है और यूं भी संभवतः कहा जाए तो कहा जा सकता है आज का दिन दान दिवस है, दान देने का दिवस है। और संस्कृत में तो कहा गया है अक्षय तृतीया के बारे में, वैशाखे मासी राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीयी का अक्षया सा तिथि ही प्रोक्ता कृत्तिका रोहिणी युता तस्याम दानादिकम सर्वम अक्षयम समुदारितम। तो यह अक्षय तृतीया दान दिवस है, दान देने का दिन है। श्रेयांश कुमार ने भगवान ऋषभ को इक्षु रस का दान दिया, इक्षु रस मिला। अब इक्षु रस में मिठास होती है, इक्षु रस में मिठास है और वह मिठास हमारे भाषण के प्रयोगों में, वाणी में भी कर्कशता न रहे, कटुता न रहे, उचित रूप में इक्षु रस जैसी मिठास हमारी वाणी में रहे। इक्षु रस कोई पिए न पिए, कोई शुगर का व्यक्ति है इक्षु रस न भी पिए, ऐसे भी त्याग संयम की भावना से भी न पिए, तो इक्षु रस तो पिए न पिए, भगवान ऋषभ का अनुकरण वर्षी तप के रूप में कुछ अंशों में किया जाता है, पालने में इक्षु रस का भी प्रचलन है, तो इक्षु रस तो फिर भी कोई पिए न पिए, पर वो हमारे भावों में, हमारी वाणी में जो मिठास है उसका औचित्यानुसार ग्रहण किया जा सकता है। तो आज कितने कितने तपस्वी यहाँ हैं और बाहर भी कितने हो सकेंगे, यहाँ हो सकते हैं तो बाहर भी कितने हो सकते हैं, कितने कितने लोगों ने वर्षी तप किए होंगे। तो जिन्होंने इस तप की आराधना की है वे आध्यात्मिक अनुमोदना के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसा तप किया है, न केवल गृहस्थों में, गृह त्यागी समुदाय में भी वर्षी तप करने वाले हैं और चारित्रात्माएं जो विहार भी करते हैं, चलते भी हैं, कामकाज भी करते हैं और साथ साथ विहार यात्रा के साथ साथ वर्षी तप भी कर लेते हैं, वह तो और भी एक विशेष बात है। चलना भी कभी इतने किलोमीटर, कभी इतने किलोमीटर, पैरों से भी चलना, पैरों का भी चलना और वर्षी तप का भी होना, यह कुछ और विशेष बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह वर्षी तप एक दिन खाना और एक दिन नहीं खाने का जो क्रम है, बीच बीच में कई तो वर्षी तप करने वाले उसमें और लंबी तपस्या भी कर लेते हैं, कोई जैसे अठाई कर लिया, मांस खमन कर लिया, बीच में और तपस्या भी कर ली। अब करने वालों का अपना कोई बल हो सकता है कि वो वर्षी तप के बीच में थोड़ी लंबी तपस्या भी कर लेते हैं। ठीक है, लंबी तपस्या में यह ध्यान तो देना चाहिए कि ऐसा न हो लंबी तपस्या की अब वर्षी तप के बीच में कई दिन तक लगातार खाना पड़ेगा, ऐसी संभावना हो तो लंबी तपस्या नहीं करनी चाहिए, कि वर्षी तप में बीच में खंडन हो जाए ऐसी संभावना लगे या ऐसी बात को मन में धार करके तो लंबी तपस्या मेरे ख्याल से करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता वर्षी तप की है। तो वर्षी तप का लक्ष्य बना लिया है या संकल्प कर लिया है तो वर्षी तप पहले है और तपस्या गौण है, बाद में है, हो तो हो न हो
वर्षी तप की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास, यह पहली बात हो जाती है। तो जो तपस्वी हैं, वर्षी तप करने वाले हैं, किए हैं, जो इतने यहाँ उपस्थित, आंकड़ा भी बताया गया और रिकॉर्ड कीर्तिमान की बातें भी दुनिया में चलती हैं। ठीक है, रिकॉर्ड का भी कुछ अपना महत्व हो सकता है। सबसे मूल बात तो आत्मा की शुद्धि है, आत्मा की निर्मलता है। तो यह तपस्या और वर्षी तप तो शरीर की अनुकूलता हो और भी अनुकूलता हो तो बड़ा सुंदर और सुगम तप है। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, काम भी नहीं रुकते, थोड़ी अनुकूलता हो तो काम भी चलते रहते हैं, वर्षी तप भी चलता रहता है। तो बड़ा एक मध्यम स्तरीय मानो तप है। बहुत ज़्यादा मांस खमण, ज़्यादा तपस्या करे तो विहार करने में दिक्कत आ जाए और कार्य में दिक्कत आ जाए, पर वर्षी तप इतना सुगम हो सकता है और काम भी चलते रहते हैं, वर्षी तप भी साथ में, यह एकांतर रूप में वर्षी तप भी चलता रहता है। यह वर्षी तप, तपस्या करना तो है ही, इसके साथ साथ गृहस्थों के लिए कुछ और नियम भी हैं, जो कई वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ इन नियमों का क्रम जो चल रहा है। जैसे पहला नियम है, वर्षी तप करने वाले ओम ऋषभाय नमः की 11 माला प्रतिदिन जपें, कम से कम 11 माला। ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः। इतना लंबा भले नहीं भी बोले, माला में जल्दी उच्चारण भी कर सकते हैं, तो 11 माला ओम ऋषभाय नमः की। दूसरा नियम है, आधा घंटा रोज ध्यान करना। तीसरा नियम, 1 घंटा रोज मौन करना। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य की साधना चले। पांचवा नियम, सचित्त एवं 6 जमीकंद का त्याग रखना। 6 में ये लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, मूली और आलू, इन 6 का जो निर्धारित या क्रम में चल रहे हैं, इनका त्याग रखना, सचित्त और इन 6 जमीकंद का त्याग। छठा है, पालने के दिन रात्रि में, उपवास के दिन तो 24 हो करना ही करना चाहिए, पालने के दिन भी रात्रि में 24, 24 में दिक्कत हो तो त्रिविहार रात्रि में चले। सातवां नियम है, सुबह अथवा सायं कम से कम 1 बार प्रतिक्रमण करना अथवा उस समय स्वाध्याय अथवा जप करना। मान लो आधा घंटा भी कर ले प्रतिक्रमण के समय, प्रतिक्रमण नहीं किया जा सके तो। आठवां, क्षमा की साधना, गुस्सा नहीं करना और एक दिन भी आक्रोश क्रोधवश यानी कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए, नियम की भाषा है क्षमा की साधना, एक दिन क्रोधवश कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो पालने के एक दिन चीनी अथवा नमक अथवा लाल मिर्च का सेवन, भक्षण का के भक्षण का पूर्णतया वर्जन रखना। ये 8 नियम हैं, यानी उपर दिया है वर्षी तप करने वाले तपस्वियों को वर्षी तप काल में यथासंभव इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये नियम भी साथ में चलते हैं तो वर्षी तप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा फलदायी बन सकता है, ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है। तो अक्षय तृतीया, ये अक्षय शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, अच्छा मतलब अर्थ बड़ा अच्छा है। अक्षय हमारा सम्यक्त्व अक्षय हो जाए, हमें कभी अक्षय ज्ञान प्राप्त हो, अक्षय दर्शन प्राप्त हो, अक्षय आनंद प्राप्त हो, खंडित होने वाला नहीं, अक्षय आनंद और अक्षय शक्ति कभी क्षीण न हो, ऐसी अनंत शक्ति प्राप्त हो, तो हम अक्षयता की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। तो आचार्य भिक्षु से संबंधित हमारे धर्म संघ में
तो जैन शासन का एक समुदाय है जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, जिस संघ के आदि आचार्य परम पूज्य महामना आचार्य भिक्षु हुए हैं, उनसे संबद्ध हमारा यह धर्म संघ है। और उत्तरवर्ती उनकी आचार्य परंपरा में परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे नौवें आचार्य श्री हुए और दसवें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। गुरुदेव तुलसी के समय से यह वर्षीय तप की अक्षय तृतीया की पालने की परंपरा चल रही है और ये आगे बढ़ती जा रही है। और जैसा का संख्या का आंकड़ा भी बहुत अच्छा आगे बढ़ने की बात बताई गई है, जैसे ये 1100 इतने वर्षीय तप की बात है। और ये वर्षीय तप करने वाले हैं और हमारे संत सचतियाँ भी बैठे हैं, कभी ऐसे वैरागियों की पंक्ति कोई लगा दे कि वैरागियों की पंक्ति है तो और विशेष बात होती है। का सूरत में इतने वे हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो आज तो अक्षय तृतीया का यह समारोह है, कभी ये वैरागियों की ऐसी पंक्ति लगे, ये मुमुक्षु भाइयाँ और बैठे हैं कि इतने वैरागी बैठे हैं, हमारे संयोजक बोलते हैं कभी ऐसा बोलें आज इतने वैरागियों की पंक्ति लगी है, तो और मुमुक्षु तो हैं भाइयाँ, और मुमुक्षु भाइयाँ ये मुमुक्षु निर्माण का प्रयास हमारे साधु साधियाँ संगणियाँ और लोग भी हैं, मुमुक्षु निर्माण का प्रयास करें। वर्षीय तप का जो क्रम बना है, जो भी ऐसे मुमुक्षु निर्माण का भी क्रम बन जाए और यह दिखा दें इतनी पंक्ति मुमुक्षुओं की बन गई, इस साल इतने मुमुक्षु तैयार हो गए हैं, मुमुक्षु श्रेणी में ये आ गए हैं, आ रहे हैं, तो ऐसा भी क्रम कोई बने तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो आज का यह हमारा अक्षय तृतीया का कार्यक्रम है और आज अक्षय तृतीया है। आज से 4 वर्ष पहले श्रद्धेय मेरे हमारे दीक्षा प्रदाता मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का जयपुर में आज के दिन महाप्रयाण हो गया था, आज उनको 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का भी श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे हमारे धर्म संघ के मंत्री मुनिश्री भी थे, दूसरे मंत्री मुनिश्री थे और साथ में बहुश्रुत परिषद के वे पहले संयोजक भी थे। दूसरे संयोजक तो मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, वर्तमान में हमारे मुख्य मुनि, मुख्य यानी बहुश्रुत परिषद के वर्तमान में संयोजक हैं। तो ये मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी थे और मेरे तो दीक्षा प्रदाता भी थे। ऐसे चार, हम चारों आज चारों यहीं पर हैं, चार के वे दीक्षा प्रदाता भी थे। वर्तमान में और कोई भी संत यहाँ नहीं, पूरे धर्मसंघ में नहीं है जिन्होंने चार बालकों को, चार पुरुषों को दीक्षा दी हो। उनके महाप्रयाण से 100 से ज़्यादा वर्ष के इतिहास में भी संभवतः ऐसे संत नहीं थे। तो मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी तो मेरे से दीक्षित हैं, मेरे से रोल नंबर में मेरे से वैसे सीनियर होते हैं, और बाद में मुनि अनंत कुमार जी ज्योतिर्मय तो बहुत बाद में मुनि श्री के द्वारा दीक्षित हुए थे। तो वैसे मैं हमारे दीक्षा प्रदाता हैं और धर्म संघ के वरिष्ठ मुनि प्रवर थे, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो मैंने राजनीति की बात कही कि ऋषभ एक राजनीति के भी मानो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आज कार्यक्रम में भी राजनीति के व्यक्ति भी उपस्थित हुए हैं, मानो ऋषभ की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात के गृह राज्य मंत्री श्रीमान हर्ष भाई सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं। तो राजनीति के लोग भी मानो ऋषभ से एक पवित्र राजनीति की प्रेरणा भी मिलती रहे कि राजनीति भी शुद्ध रहे, उसमें भी तपस्विता साधनाशीलता जितनी रह सके वो भी रहे, तो ऐसा क्रम भी चलता रहे। तो हम आज ये अक्षय तृतीया का हाँ कार्यक्रम, अच्छा पहले अहमदाबाद में, अहमदाबाद में भी वहाँ तो अच्छा है, तो ऋषभ हमारे राजनीति से भी जुड़े हुए, यहाँ भी अनेक बार विजिट करके पूरी व्यवस्थाएं देखी है और डीसीपी के नेतृत्व में दोनों पुलिस थानों ने भी अच्छी काम किया।
प्रशासनिक में आपका इतना सहयोग मिल रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। फोन करके पूछते हैं कि कोई दिक्कत है, आप फोन करके सामने से ठीक है। यहाँ पर आए हैं, ये बोलते हैं आए हैं यहाँ पर, हाँ बंदे गुरुदेव ये बोलते हैं आप क्या नहीं मेरा प्रोग्राम पर आप चेयर है, ये सबसे बड़ी बात। ठीक, खूब राजनीति में भी आध्यात्मिकता धार्मिकता का भी खूब पोषण, उसकी पुठ भी बनी रहे। ऋषभ राजनीति से भी मानो जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो राजनीति को ऋषभ से भी प्रेरणा मिलते रहे कि तपस्विता जितनी हो सके वो अच्छा क्रम भी बना रहे। तो यह इस बार का वर्षी तप का यह पालने का कार्यक्रम या वर्षी तप संपन्नता का कार्यक्रम सूरत में आयोजित हो रहा है, और यह सूरत का वर्षी तप का समारोह है। इतनी बड़ी भव्य, इतनी बड़ी परिषद है, अपने आप में इतने तपस्वी, इतने लोग हैं जो पालना के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी में अपने अपने ढंग से तपस्विता का, साधना का विकास होता रहे। हम भगवान ऋषभ के पथ के अनुगामी जितना हो सके बने रहें। तो भ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामल नाय, तोभ्यं नमः त्रिमेश्वराय, तोभ्यं जिन भवो दधिशोषणाय, दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।